नमस्कार दोस्तों, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.86। कल एंड परसों दो दिन यानी मंडे एंड फ्राइडे को हल्का सा सॉफ्टनेस यहाँ पे देखा गया। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे एक रेंज बना चुका है, जो रेंज है आपका दिस चैनल ऑन द लोअर साइड 103.50 और ऑन द हायर साइड 104.10। जैसे ही इस रेंज के बाहर आइदर साइड डायरेक्शंस में मूव करेगा, पॉसिबली ऑन द लोअर साइड, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में हल्का सा सॉफ्टनेस ऑन डेली परस्पेक्टिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर कल के दिन में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा गया, जो हमारा वीकली का जो टारगेट है, क्या टारगेट है कि लास्ट वीक का कैंडल, 26 वीक का जो कैंडल है, इट्स एन इनसाइड बार टू द 19 फरवरी कैंडल, एंड आल्सो आपका यहाँ पे ये जो 27 फरवरी का हाई है, उसके हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं, इन सच ए केस एक मॉडरेटली मींस बुलिश मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी टुवर्ड्स 1.2750 से 1.2850 के तरफ। अभी उसी का रेजिस्टेंस लेवल पे रुके हुए हैं, जैसे ही इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देगा हल्का सा पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा जो जीबीबी आईएनआर का एनालिसिस है, ये आपका 28 फरवरी के हाई के ऊपर एक मॉडरेटली पॉजिटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका हमें अभी इंतजार है। क्या ये इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर 105.40 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं। इन ए सिमिलर लाइन यूरो डॉलर कल के दिन में एक बुलिश मूव देखा गया, बट इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है, जो है आपका 27 फरवरी का हाई, उसके ऊपर जाके क्लोज देना है, तब जाके हम यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव देख सकते हैं। वैसे भी प्राइस एक्शन वाइज यहाँ पे एक कंसोलिडेशन डेली पर्सपेक्टिव में बनाया है। इस कंसोलिडेशन के बाहर ऊपर की तरफ जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देगा, तो एक बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर जो है आपका, ये भी सिमिलरली एक डेली पर्सपेक्टिव में एक कंसोलिडेशन जोन में है। इस जोन से बाहर और जैसे ही ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोज के साथ ब्रेकआउट करेगा, इन सच ए केस एक मॉडरेटली पॉजिटिव अपवर्ड बुलिश मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक अच्छा खासा प्राइस कंसोलिडेशन यहाँ पे हमें दिख रहा है। इस कंसोलिडेशन के बाद एक धमाकेदार ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉसिबली ऑन द लोअर साइड, क्योंकि ऊपर की तरफ 151 हाफ 152 इज एक्सपेक्टेड टू बी ए मींस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। येन आईएनआर ये कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं एट दिस सपोर्ट लेवल। यहाँ पे बेसिकली हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करना है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। कंफर्मेशन के लिए हमें डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ही एक बढ़िया सा पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी ये रेजिस्टेंस जोन के हायर एंड पे कंसोलिडेट करते हैं। ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ये आपका 28 फरवरी के हाई के ऊपर, दैट मींस 1.3610 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देगा, तो एक अपवर्ड बायस यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर भी यहां पे एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं, बेस आउट कर रहे हैं एंड रेंज शिफ्ट का पॉसिबिलिटी से, जिसके बाद हमें एक डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ही हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने का पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। डॉलर से 7.2055 ये आपका दो रेंज के अंदर में अटके हुए, एक ऑन द हायर साइड 7.2350 एंड ऑन द वन लोअर साइड 7.17। इस जोन पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट होने देते हैं, उसके बाद सोचेंगे। ब्रेंट कोड 82.40, कल के दिन में एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया फ्रॉम द हाईज, ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक आउट कर नहीं पा रहे हैं। एक बार इस रेजिस्टेंस जोन, हम सोच रहे थे कि इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके ये ऊपर की तरफ रन अप देगा, लेकिन
कल के दिन में एक रेजिस्टेंस मिला है। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी हमें चाहिए। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 4.2210, ये आपका वीकली पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा नेगेटिव बायस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब तक ये आपका 19 फरवरी वीकली का हाई के ऊपर क्लोज ना दे। इन सच केस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज का हमें इंतजार है। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी भी यहाँ पे हल्का सा नेगेटिविटी है। यहाँ पे एक इनसाइड बार कल के दिन में बनाया है, इनसाइड बार के लो के नीचे एक के सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो डेली पर्सपेक्टिव में एक रेंज शिफ्ट का पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं। ये कॉन्फर्मेशन होगा जैसे ही ये कल के लो के नीचे क्लोज देगा। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।